हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर नंबर 4 करा रही हूँ, मीनिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसमें समझ लें कि व्यवसाय प्रबंध है क्या। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेस बता देती हूँ। पहले प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ जो थी वो सीमित थी, है ना, तो व्यापार का क्षेत्र भी हमारा संकुचित था। लेकिन जैसे जैसे हमारा युग बदलता चला गया, मानव की आवश्यकताएं भी असीमित होती चली गई और आज का युग हमारा प्रतिस्पर्धा का युग है। एक से नई चीज़ हमारी बन रही है, तो इसलिए आज के युग को प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। प्रत्येक औद्योगिक संस्था की स्थापना, सफलता और प्रगति में एक कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। यदि कुशल प्रबंध नहीं होगा तो व्यावसायिक प्रबंध भी, मतलब उद्योग भी सही ढंग से नहीं चलेगा। कहा जाता है एक अच्छा प्रबंधक डूबे हुए व्यवसाय को भी चला सकता है और एक बुरा प्रबंधक डूबे व्यवसाय चलते व्यवसाय को भी डुबो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक मनुष्य का शरीर मस्तिष्क के बिना एक हाड़ मांस का पुतला मात्र रह जाता है, उसी प्रकार से प्रबंध के बिना व्यावसायिक संस्था की स्थापना में लगी हुई पूंजी और सामग्री सब व्यर्थ चली जाती है। यानी यदि प्रबंध सही नहीं है तो व्यवसाय में कितनी भी पूंजी हो, वह उत्पादन ढंग सही ढंग से नहीं कर पाएगी। अब हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं। व्यवसाय प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बोलते हैं व्यवसाय और दूसरा होता है प्रबंध। हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवसाय क्या होता है। वैसे तो सामान्यतः व्यवसाय का अर्थ होता है वे सभी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, व्यवसाय कहलाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं, व्यवसाय से अभिप्राय उन सभी मानवीय और आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं। यानी जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है लेकिन समाज की सेवा करना भी होता है, वे सब कार्य जो किए जाते हैं व्यवसाय कहलाते हैं। यानी आर्थिक धन कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कृषकों द्वारा अनाज उत्पन्न करना, चूल्हे द्वारा कपड़ा बुनना, डॉक्टर द्वारा रोगी को देखना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, श्रमिकों द्वारा कारखाने में कार्य करना, थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं द्वारा माल का क्रय विक्रय करना, ये सब हमारे बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। एक हमारे राइटर हुए हैं मिलर, उनके अनुसार मौसम की भांति व्यवसाय सदा हमारे साथ रहता है। अब व्यवसाय के अंतर्गत हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं। एक होता है व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और वितरण सेवाएँ। व्यवसाय में आता है, व्यापार में आता है हमारा क्रय और विक्रय। यानी व्यापार का क्षेत्र संकुचित होता है, वाणिज्य का क्षेत्र जो होता है वो असीमित होता है, यानी विस्तृत होता है। वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं हमारे यातायात व संवाद वाहन, बीमा कंपनियां, विज्ञापन संस्थाएं, गोदाम, डाकवे, ये सब जो आते हैं हमारे वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। एक होता है हमारा उद्योग, उद्योग के अंतर्गत आते हैं जननिक, निर्माणिक, यानी किसी चीज़ का निर्माण किया, जैसे पुलादी का निर्माण किया जाए और जननिक होता कोई उत्पादन किया जाए, है ना, निष्कर्षण, कोई निष्कर्षण का जैसे खाने वगैरह खोद जाती है वो, संश्लेषात्मक और दृष्टात्मक, यानी नई नई चीज़ों का निर्माण करना, पुल आदि का निर्माण करना उद्योग का निर्माण के अंतर्गत आता है। अगले आते हैं आपकी वितरण सेवाएं और प्रत्यक्ष सेवाएं, ये भी हमारी व्यापार के अंतर्गत ही आती हैं, व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रबंध क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रबंध। प्रबंध किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व, नियंत्रण ही प्रबंध है। एक राइटर है उनके अनुसार, जेन शुल्स के अनुसार, प्रबंध वह शक्ति है जो एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन का नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं संचालन करती है। अर्थात अन्य व्यक्तियों से कार्य करने का कला ही प्रबंध है। एक विद्वान ने मैनेजमेंट के संबंध में कहा है, शब्द की व्याख्या की है, मैनेजमेंट को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट, MANAGEMENT, यानी मैनेजमेंट
को यदि हम अलग अलग शब्दों में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या लगता है, मैनेज MANAGE, MEN मैन, और तीसरे होता है टैक्टफुल। ठीक है, मैनेज मैन और टैक्टफुल, यानी मनुष्य द्वारा किसी कार्य को युक्ति के अनुसार करना वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेज मैन यानी मैनेज करता है मनुष्य, और कैसे करता है, टैक्टफुल तरीके से, है ना। तो मनुष्य द्वारा टैक्टफुल तरीके से किसी कार्य को योजना बना करके जो किया जाता है वह हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। यानी अन्य व्यक्ति से कार्य करने की कला भी हमारी मैनेजमेंट ही कहलाती है। अब मैं आपको समझाती हूँ व्यवसाय प्रबंध का अर्थ। आपने व्यवसाय का अर्थ पढ़ लिया, मैनेजमेंट का अर्थ पढ़ लिया, अब हम करेंगे कि व्यवसाय मैनेजमेंट हमारा होता क्या है। व्यवसाय मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंध व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम ही प्रबंध है। यानी व्यवसाय के विभिन्न अंग जो भी हैं, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, इन सब में संगठन सहयोग संगठन में सहयोग स्थापित करने का नाम ही व्यवसाय प्रबंध है। अन्य शब्दों में व्यवसाय प्रबंध से अभिप्राय संस्था के विभिन्न उद्देश्य, यानी जो भी संस्था होती है उसके जो उद्देश्य होते हैं, यानी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, कुशल संचालन करना, ग्राहकों की संतुष्टि करना, कर्मचारी विकास करना, आर्थिक न्याय आदि दिलाना को पूरा करने के लिए, तथा मानवीय एवं भौतिक संसाधनों, मानव भौतिक संसाधन होते हैं मानव, मशीन, मुद्रा, मनी, फायदा कहलाता है, का अधिकतम उपयोग करने के लिए योजना बनाना, योजना बनाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण करने, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने, प्रबंध करने और निर्देशित करने की कला का नाम ही व्यवसाय प्रबंध है। अब व्यवसाय प्रबंध को भी हम एक चार्ट के द्वारा से समझ सकते हैं, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, उद्देश्य हैं, मैं आपको संक्षिप्त में एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाती हूँ। व्यवसाय प्रबंध भौतिक साधन होते हैं इसके, व्यवसाय प्रबंध ये आपके हैं भौतिक साधन, मानवीय और भौतिक साधन, यानी मानव जिन उत्पादन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। पहला है मनुष्य, मनुष्य नहीं होगा तो हमारा उत्पादन भी नहीं होगा, और माल भी चाहिए, मनुष्य द्वारा माल का निर्माण किया जाता है, और माल के लिए आवश्यकता होती है मशीन की, मशीन के लिए आवश्यकता होती है मुद्रा की, है ना। और मुद्रा हमारी जो है वो समाज से ही प्राप्त होती है, क्रय विक्रय के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये थे मानवीय और भौतिक साधन, यानी कौन कौन से हमारे, मानव, माल, मशीन, मुद्रा और मंडी, यानी जो समस्त माल का क्रय विक्रय किया जाता है वह मंडी में ही किया जाता है। इसके बाद मैं आती हूँ कार्य। कार्य आपके नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा। कार्य यानी कोई भी कार्य किया जाता है तो एक योजना बना के किया जाता है, प्लानिंग। सबसे पहले कार्य को करने के लिए प्लानिंग की जाती है, फिर प्लानिंग करने के बाद में कैसे उसको किया जाए, किस किस साधनों की जरूरत होती है वो, निर्देशन, कंट्रोल कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ से डाटा इकट्ठे किए जाएँ, और उसको बढ़ाने के लिए कैसे कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाए, यानी कैसे उसको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, वो हमारे होते हैं व्यवसाय प्रबंध के कार्य। ये हमारे व्यवसाय प्रबंध के कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डेटास और मोटिवेशन। अलग अलग राइटर्स ने इसके कार्य को अलग अलग दिए हैं।
यहाँ पे मैं आपको यही समझा रही हूँ। इसके बाद में आ जाइए, उद्देश्य क्या है इसका, व्यावसायिक प्रबंधन का मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है अधिकतम तथा अधिकतम उत्तम सस्ता उत्पादन। इसका मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी प्रबंध, कोई भी कार्य इस ढंग से किया जाए कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो सके, यानी लागत भी कम आए, काम भी अच्छा हो, और इसीलिए हर चीज़ का प्रबंध किया जाता है। कुशल संचालन, यानी कोई भी कार्य यदि कुशलता से किया जाए तो वह जल्दी पूरा हो जाता है, तो कुशल संचालन करना भी इसका एक मेन उद्देश्य होता है। और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इसका ग्राहकों की संतुष्टि। यदि ग्राहक संतुष्ट है, यानी सभी कार्य संतुष्टि के लिए ही किए जाते हैं, और व्यवसाय में ग्राहक मेन होता है, इसलिए ग्राहक की संतुष्टि को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव विकास, इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ मानव का विकास भी करना होता है। और आर्थिक न्याय, यानी समाज में सबको समान आपका न्याय मिले, समान आपको न्याय मिले, यानी जो हमारे समाज में लोग भाग हैं, धन का वितरण जो है समाज में समान रूप से हो, तो आर्थिक न्याय दिलाना ही इसका उद्देश्य होता है, यानी मेन उद्देश्य होते हैं इसके, यानी व्यवसाय प्रबंध के आपके मेन उद्देश्य होते हैं अधिकतम उत्तम और सस्ता उत्पादन, कुशल संचालन, ग्राहकों की संतुष्टि और मानव विकास। आर्थिक न्याय, यानी ये सभी कार्य जो किए जाते हैं मनुष्य की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। व्यवसाय में ग्राहक होता है तो ग्राहक की संतुष्टि के लिए सभी कार्य किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, व्यवसाय कार्य को निर्देश नीति नियम सिद्धांत निर्धारित रूप से करना और व्यक्तियों से कार्य करने की कला ही हमारी व्यवसायिक प्रबंध कहलाती है। तो मैंने आज आपको भी समझाया है कि हमारा बिजनेस मैनेजमेंट क्या है। आगे मैं आपको इसके उद्देश्य बताती हूँ और इसके महत्व मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा।